हेलो दोस्तों, एसएससी सीजीएल की जो कंप्लीट कोर्स की सीरीज चल रही है हमारी, उसमें आज हम एसएससी सीजीएल के एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन और सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। हमने इस वीडियो का पार्ट 1 लॉन्च कर दिया था ऑलरेडी, आपने देखा होगा उम्मीद करता हूं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो कमेंट में हम उसका लिंक डाल देंगे, वो देख लीजिएगा। ये जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें बताने जा रहे हैं, ये इस वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एसएससी सीजीएल में जो नोटिफिकेशन दी रहती है उसमें वेरियस टर्म्स और कंडीशन दिए रहते हैं, उसके अंदर क्वालिफिकेशन दी रहती है, जो कि आमतौर पर स्टूडेंट्स कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो समझ नहीं पाते, तो उनके लिए ये वीडियो उनका काम काफी ईजी कर देगी और नोटिफिकेशन को समझने में उनकी काफी हद तक मदद करेगी। इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ज्यादा इसमें नोटिफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं, ज्यादा कुछ इसमें समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको जो एग्जैक्ट सिलेबस है, एग्जैक्ट एक एक टर्म्स, क्योंकि हम एक एक टर्म से आपने नहीं बोलेंगे कि जैसे रीजनिंग की बात हो रही है, चाहे वर्बल रीजनिंग की बात हो रही, चाहे आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात हो रही, तो उसके बारे में डिटेल एक सिलेबस का एक एक पार्ट हम नहीं बोलेंगे। हम कुछ हद तक आपको चीजें समझा देंगे और बाकी आप पीडीएफ से देख के आप उस टर्म्स और को समझ लीजिएगा, और बाकी जो मेन नोटिफिकेशन का मेन कोर एरिया है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीजें हम पढ़ा देंगे आपको, बता देंगे इस वीडियो में। और सिलेबस का सिर्फ कुछ पार्ट जो है वो आपको खुद से समझना पड़ेगा, खुद से आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा वीडियो में ही, और बाकी चीजें मैं आपको एकदम एग्जैक्ट नोटिफिकेशन बता दूंगा। इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, आपको इस नोटिफिकेशन में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप इजिली चीजों को समझ सकेंगे। तो हमने पार्ट 1 में आपको पढ़ा दिया था ऑलरेडी कि हाँ, इससे पहले कि आप अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं प्रेस किया हो। और वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप एसएससी सीजीएल कंप्लीट कोर्स की एक सीरीज चल रही है, उसमें आप जाइएगा और उसमें जाके आप आराम से एसएससी सीजीएल के कंप्लीट कोर्स को आप समझ सकते हैं, सारी चीजें देख सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हमने आपको फर्स्ट वीडियो में इसमें नोटिस के बारे में बता दिया था, उसके बाद हमने आपको इसके नोटिस में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है उनके बारे में बताया था, फिर जो लास्ट डेट रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन के उसके बारे में बताया था, और सारी चीजें आपको हमने समझा दी थी। उसके बाद हमने कौन कौन सी पोस्ट होती है, इसमें टोटल 36 पोस्ट होती है, जिसमें से दो दो पोस्ट आपकी गेस्टेड है, ग्रुप बी की असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, और इसमें दो एक तरह से रैंडम कर सकते हैं हम, जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की होती है मेनली, वो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, ये ग्रुप बी की दोनों पद हैं। और इसमें स्टैटिक्स मेन इसका पोर्शन है, आपको अभी हम पढ़ाएंगे इसके बारे में, तो ये इसके पद के बारे में हमने आपको बताया था डिटेल में। और ये जो नोट दिया रहता है, इनका मतलब मैंने को आपको समझाया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना, जब भी हम कोई भी फॉर्म भरते हैं तो हमें उसके कंप्लीट नोटिफिकेशन के एरिया को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो पार्ट 1 मिस मत कीजिएगा, पार्ट 1 देखने के बाद ही आप पार्ट 2 पे आइएगा, तो आपको इजीली चीज समझ में आएंगी। तो अब इसमें पार्ट 1 में हमने इसमें कौन नेशनैलिटी सिटीजनशिप क्या चाहिए वो भी हमने बताया था, एज लिमिट भी हमने समझाया था, और जो एडिशनल परमिसिबल एज लिमिट है, जो अपर एज लिमिट है ग्रुप सी के पोस्ट के लिए, वो भी हमने आपको समझाया था। अब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो स्कीम एग्जामिनेशन किस तरीके से कंडक्ट होगा, उसके बाद हम लोग टायर 1 और टायर 2 में किस किस कौन कौन से पेपर आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि टायर 3 में क्या सिस्टम है, किस तरह से पेपर मोड में होगा, उसका ये सारा सिलेबस, यही मैंने कहा था कि आपको ये चीज आप इस सिलेबस से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, क्योंकि इतना एक एक चीज हम बोलेंगे नहीं, आपको एक जनरल टर्म में समझा देंगे इस चीज को। हमारा लक्ष्य है कि आप इस नोटिफिकेशन के बारे में मैक्सिमम चीजें जान सकें, जो आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं, अब हम आगे चलते हैं, और टायर 2 के भी इसमें सिलेबस के बारे में पता चलेगा आपको, और स्किल टेस्ट के बारे में पता चलेगा, फिर टेस्ट क्या, डेटा एंट्री स्किल टेस्ट, और सीपीटी यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी वो आपको पता लगेगा। और उसके बाद हम मोड ऑफ सिलेक्शन बताएंगे कि सिलेक्शन का मेन क्राइटेरिया क्या है, और भी कई चीजें हैं इसमें, टाई केसेस हो जाते हैं अगर सब कैंडिडेट हमारे टायर 1 टायर 2 टायर 3 में सेम मार्क्स आ जाते हैं तो उस केस में क्या करना है, ये भी हम आपको बताएंगे। और जो ये जो कोर्ट का कमीशन के डिसीजन के बारे में और कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के बारे में भी आपको बताएंगे, और डिस्क्वालिफिकेशन किन किन बेसिस पे आपका हो सकता है उसके बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम लोग, तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को एसेंशियल जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है वो उससे। तो देखिए यहाँ क्वालिफिकेशन में दो चीजें हैं, जो जिस भी पोस्ट के बारे में आप देखेंगे उसमें दो चीजें दिखेंगे, एक एसेंशियल दिखेगा आपको, एक डिजायरेबल दिखेगा। एसेंशियल का मतलब वो चीज होती है जो कि हमें चाहिए, जो चीजें हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे एसेंशियल का मतलब कि इसके बिना आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं,
लेकिन अगर आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी है तो आपको इस पर्टिकुलर पोस्ट में, जो जिस जिस पर्टिकुलर पोस्ट में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन होगा, उसमें आपको एक वरीयता मिलेगी, एक आपको प्रेफरेंस मिलेगा। मान लीजिए कि एक कैंडिडेट है, उसके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन है और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, तो उसमें उस वो कैंडिडेट पाया है 180 नंबर 200 में। मान लीजिए एक मैं जनरल में समझा रहा हूँ, और आपने भी 180 नंबर पाया है 200 में, तो लेकिन आपका सिलेक्शन बाद में होगा, उसका सिलेक्शन पहले होगा क्योंकि उसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी है, तो बस अंतर इतना आ जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपने 182 नंबर पाया है और उसने 180 नंबर पाया है, तो आपको ज्यादा वरीयता मिलेगी क्योंकि आपने उससे 2 नंबर ज्यादा पाया है, तो ये अंतर होता है। लेकिन इसेंशियल का मतलब चाहिए, डिजायरेबल नहीं है तो भी चलेगा, अगर है तो अच्छी बात है तो बहुत अच्छी बात है, आपको सिलेक्शन में काफी हद तक मदद करेगा, और नहीं तो डिजायरेबल नहीं है तो कोई बात नहीं। अब देखिए, अब हम बात समझाते हैं। देखिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, देखिए ये जो दो पोस्ट हैं, ये गेस्टेड रैंक के पोस्ट हैं, ग्रुप बी के हैं, तो इसमें आपको हमने पोस्ट में सेक्शन बता दिया था, तो ग्रुप बी के पोस्ट हैं। इसमें सेंसियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप चार्टर अकाउंटेंट सीए या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी सीएस या मास्टर इन कॉमर्स यानी एमकॉम या मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज या मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें एमबीए का जिक्र किया है, तो डिजायरेबल में एमबीए अगर आपने मार्केटिंग से किया तो वो वैल्यू नहीं रखता, फाइनेंस से किया तो वो वैल्यू रखेगा, और मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो वो चीज है, ये चीज डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। इसमें एक चीज और आपको समझाया है इसी के पार्ट में, कि प्रोविजन पीरियड जो होता है, प्रोविजन पीरियड वो होता है जो जिसमें आपका, जब जैसे मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया किसी पद पे, और आपको डायरेक्ट आपको जो है मतलब एक परमानेंट अकाउंट लेटर, परमानेंट आपको जो है अपॉइंटमेंट लेटर होता है, तो वो आपको अभी नहीं मिलेगा। अभी आपको जो मिलेगा वो प्रोविजन बेसिस पे एक टेम्परेरी, आपको जो है एक टेम्परेरी समझ लीजिए, टेम्परेरी आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, और उसके थ्रू आपको एक तरह समझिए कि आपको ट्रेनिंग में, जब ट्रेनिंग वगैरह इसकी जब होगी तो उसके उसमें आपको जो है उस पीरियड को प्रोविजन कहते हैं। या अलग अलग पोस्ट के लिए अलग होता है, किसी पोस्ट के लिए 11 महीने होता है, किसी पोस्ट के लिए 1 ईयर होता है, किसी के लिए 2 ईयर होता है, तो किसी के लिए 6 मंथ होता है, तो ऐसे ऐसे भी होते हैं। तो ये आपको उस समय जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको बताया जाएगा। तो जो प्रोविजन के यहाँ पे एक चीज, जो ये नोटिफिकेशन में ये चीज मेंशन की, इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, सिर्फ यही दो पद के लिए है। तो इसमें दिया है कि प्रोविजन के पीरियड का जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा उसको शैल हैव टू क्वालिफाई, यानी उसको क्वालिफाई करना जरूरी है सबऑर्डिनेट ऑडिट या और अकाउंट सर्विस एग्जामिनेशन। देखिए मतलब क्या है, उसके रिस्पेक्टिव ब्रांच के लिए कंफर्मेशन रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए एज असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए। मतलब ये देखिए, इसमें देखिए एसेंशियल में मांगा है बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, लेकिन डिजायरेबल में जो चीज मांगी है, अक्सर ऐसा होता है कि कैंडिडेट के नंबर, कैंडिडेट जिनके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं होती है वो लोग सेलेक्ट होकर चले जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब उन लोगों को, अगर उनके पास अगर बेसिक स्किल नहीं है, जिस तरह की इसमें चार्ट अकाउंटेंट मांगा या कॉस्ट मैनेजमेंट मांगा, उनके पास फाइनेंस की अगर बेसिक समझ नहीं है तो समझ लीजिए कि उनको जॉब करना काफी दिक्कत होती है, और उसको कोऑर्डिनेट करने में भी, क्योंकि गेस्टेड रहेंगे तो उसमें से काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफी ज्यादा होती है, तो उसमें दिक्कत होती है। तो इसी वजह से इसमें प्रोविजन पीरियड में एक एक पेपर करा देगा, एक आपको जो पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड टेस्ट लिया जाएगा, सबऑर्डिनेट ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस एग्जामिनेशन होगा, वो आपके प्रोविजन पीरियड में होगा, तो उसमें आपको उसको क्लियर करना जरूरी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत। यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब है कि इससे क्वालिफिकेशन आपके पास है और आपने उसको क्लियर कर लिया, लेकिन अगर आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है तो हो सकता है कि आपको ये पेपर ना देना पड़े, लेकिन ये पेपर मेरे हिसाब से सबके लिए कंपलसरी होगा, इसलिए इसको मेंशन किया है। तो ये दो, ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन है। तो अब हम आते हैं जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ, तो इसके लिए क्या चाहिए, आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के साथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और इसमें एक चीज और जोड़ा है, आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए मैथमेटिक्स में 12th लेवल पे। मतलब क्या है, देखिए मैंने जब एग्जाम दिया था तो मेरे आए थे 67 नंबर आउट ऑफ 100, इसमें मैथ में, मैथ स्पेशली, मैं मैथ की बात बता रहा हूँ, तो मेरे मैथ में 67 नंबर पर आए थे, तो इसका मतलब अगर मैं ये फॉर्म फिल करता हूँ तो मैं इस पद के लिए मैं भर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बैचलर डिग्री भी है और मैंने 67 नंबर पाया हुआ, यानी कि मोर देन 60%, यानी 60% प्लस मैंने, मेरे पास ऑलरेडी नंबर है, तो मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ। लेकिन अगर आपके 57 आए हैं या 59 आए हैं तो आप सिर्फ मैथ में, मैं पूरा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जो है पूरा जो है मतलब आपका आपके परसेंटेज पूरे, आपको कुछ लोग समझते हैं कि 12th में हमारे तो 60% मार्क्स नहीं है तो हम कैसे मतलब इस फॉर्म को भरेंगे, लेकिन 12th में 60% आपको नहीं चाहिए, इसमें 12th में सिर्फ मैथ सेक्शन, मैथ आपका होना चाहिए, मैथ नहीं तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं, मैथ में आपका 60% होना चाहिए, ये इसमें रिक्वायरमेंट है। स्टैटिक्स का है तो भाई अगर आप बायो ग्रुप के हैं तो आप इसको आप नहीं भर पाएंगे इसको। अब बात करते हैं बैचलर डिग्री, देखिए इसमें एक चीज और मांगा है,
बैचलर डिग्री होना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें आप कुछ लोग का ये कुछ लोगों को मैसेज कर रहे थे कि स्टेटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अगर हम बायो ग्रुप्स हैं तो हम भी इसमें से बैचलर डिग्री मांगा है तो हम भी तो भर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें लिखा बैचलर डिग्री नहीं, नहीं सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट विथ विथ जुड़ गया। विथ का मतलब होता है एक साथ, मतलब वो चीज होनी चाहिए उसके साथ आपको 60% मैथमेटिक्स, यानी मैथ तो आपको कंपलसरी होना ही चाहिए ट्वेल्थ में, ये चीज है। या मतलब अगर आपके पास ये चीज नहीं है, ये मान लिया आपके पास नहीं है, तब और ये आपके पास होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी सब्जेक्ट में। स्टैटिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पे, यानी कि जैसे अगर आपने बीएससी की होगी तो आपके पास पीएमएस की डिग्री होनी चाहिए, यानी आपके पास फिजिक्स मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स, इसमें स्टैटिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए, तो ये इसका मतलब है। अब एक एक और पद है इसमें स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड टू, इसमें क्या है कि इसमें बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के साथ, इसमें स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि पास स्टैटिक्स से आप पढ़ाई किए हो, सांख्यिकी से आप पढ़ाई किए हो। देखिए इसमें एक चीज और मेंशन किया, कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड स्टैटिक्स एज सब्जेक्ट ऑल थ्री ईयर्स और ऑल सिक्स सेमेस्टर, यानी कि अगर अगर आपका ईयर वाइज आपने उसको पढ़ाई की होगी तो 3 साल, नहीं तो 6 सेमेस्टर, क्योंकि एक 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 वन ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं जनरली, तो इसमें क्या होता है कि 2 सेमेस्टर में, यानी कि 3 ईयर्स में आपके जो है 6 सेमेस्टर हो जाएंगे। तो ये चीज इस हिसाब से आपके पास स्टैटिक्स होना चाहिए अब इस पद के लिए। अब हम बात करते हैं अगले पद, असिस्टेंट चाहिए नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्राइब्यूनल यानी एनक्लैट, एनक्लैट के लिए चाहिए। तो इसमें एसेंशियल मांगा है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से यूनिवर्सिटी से, और डिजायरेबल ये है कि डिग्री इन लॉ होना चाहिए आपका किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, यानी कि आपको LLB आपने किया हो, ये मांग रहा है इसमें कि आपके पास देखिए बैचलर डिग्री तो इसेंशियल है। अगर आपका LLB नहीं है, बैचलर डिग्री तो भी आप भर सकते हैं, अगर इसमें भी यही काम करेगा कि जैसे पिछले में मैंने आपको बताया था कि जब आपका प्रोविजन पीरियड होगा तो उसमें आपको कोई पेपर दे देगा क्लियर करने का, हालांकि ऐसा कोई मेंशन इसमें नहीं किया है इसके नोटिफिकेशन में, लेकिन इस तरह का कुछ उसमें सीन होगा बाद में पता चलेगा। लेकिन डिजायरेबल अगर आपके पास है तो ये आपके पास बहुत अच्छी बात है, आपको काफी प्रेफरेंस मिलेगा। अब बात करते हैं रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC में, इसमें एसेंशियल तो बैचलर डिग्री ही मांगा है, डिजायरेबल क्या मांगा है, डिजायरेबल के बाद होता है कि मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या रिकॉग्नाइज रिसर्च इंस्टीट्यूशन से, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका किसमें, ह्यूमन राइट्स में, तो ये आपका जरूरी है रिसर्च इंस्टीट्यूशन में। और इसमें एक चीज और जोड़ दिया है कि डिग्री इन लॉ या ह्यूमन राइट्स, अगर डिग्री लॉ या ह्यूमन राइट में आपके पास डिग्री बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ये डिजायरेबल, यानी अगर ये आपके पास है तो इस बात को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, और इसेंशियल है तो भर सकते हैं, डिजायरेबल आपके पास नहीं है तो भी आप ये फॉर्म को आप इसको प्रेफरेंस भर सकते हैं। लेकिन जब आपका सिलेक्शन होगा, इसमें ऐसा इसलिए बता देता है कि जब आपका सिलेक्शन दिया जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपने जो पोस्ट को सबसे पहले भरा होगा उस पोस्ट पे ही आपका आप, और उस पोस्ट के हिसाब से आपकी मेरिट बनती है, तो उस पोस्ट पे ही आपको और आपसे जुड़े जितने कैंडिडेट हैं और भी जितने कैंडिडेट हैं जिनको जिन्होंने उस कट ऑफ को उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में क्लियर किया होगा उसको इसमें मान्यता मिलती है, तो ये चीज होती है। तो अब देखिए मैं बताता हूँ, तो अगर मान लीजिए कि उस पोस्ट, मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर उस पोस्ट पे अगर आप मान लीजिए प्रेफरेंस आपने डाल दिया है रिसर्च असिस्टेंट का, लेकिन आपके पास और आपको इसके लिए मतलब चयन निकले गए आप और आपसे जुड़े बाकी कैंडिडेट को, अब उसमें जब उन लोग का मेरिट बाद में लिया जाएगा और उनके पास अगर लॉन्ग डिग्री और आपके पास नहीं है और आपके नंबर भी उनसे कम है, जैसे मैंने बताया कि आपके पास 182 है 200 में, आप बाकी कैंडिडेट के 182 है और आपके 180 है, तो आपको सिलेक्शन नहीं लिया जाएगा और आप इसमें और किसी पोस्ट के लिए, ऐसा नहीं आप यही मत सोचिएगा कि रिसर्च असिस्टेंट के बाद तो मैंने इनकम टैक्स ऑफिसर का डाला था तो मुझे तो IT इंस्पेक्टर बन जाना चाहिए था, ऐसा नहीं होगा। आपने जिस पद के लिए डाला है उस पद के लिए आपका जब जब मेरिट बनेगी तो उस हिसाब से आपका चयन होगा और उसी चयन के हिसाब से आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको उसमें परमानेंट सीट दी जाएगी और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फिजिकल क्राइटेरिया है, रिटायर्ड स्किल टेस्ट है, तो वो कराया जाएगा, तो आपको बाकी उसे अलग कर दिया जाएगा। तो ये मत सोचिएगा कि आपने अगर प्रेफरेंस में दो प्रेफरेंस, एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर डाल दिया है, एक एक्साइज इंस्पेक्टर डाल दिया है और एक डाल दिया है आपने मान लीजिए जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, और आपका सिलेक्शन स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पद के लिए हो जाता है, लेकिन जब आपका लिया गया जब आपका एग्जाम लिया गया तो आपको पता आपने जो प्रोविजन पीरियड में आपने उसको क्लियर नहीं कर पाया उसका स्टैटिक्स का, या आपके पास मैथ में 60% नहीं है, ऐसा कुछ अगर कोई सीन बनता है तो आपको वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब देखिए अब बाकी पोस्ट की बात करते हैं, तो बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी बाकी सारे पोस्ट के लिए, बाकी जो 36 पोस्ट है, क्योंकि ये जो मैंने बताया कि मुख्य मुख्य पद थे जैसे कि असिस्टेंट अकाउंट ऑडिट ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 और असिस्टेंट इन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और रिसर्च असिस्टेंट, बाकी सारे पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री सिर्फ आपके पास होना चाहिए। इसमें एक चीज और दिया है कि कैंडिडेट मस्ट हैव एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए ऑन, यानी तब तक या बिफोर या उससे पहले, कब तक, 23 जनवरी 2022 के तक या उससे पहले आपके पास बैचलर डिग्री, आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए
एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, देखिए इसमें एक एक नियम समझाया है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की नोटिफिकेशन आई थी 10 जून 2015 को, उसमें पब्लिश किया गया था कि सारे डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट जो कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड के लिए, यानी कि जो लोग डिस्टेंस एजुकेशन से अपनी लर्निंग किए होंगे, उनको कि उनको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेशन के द्वारा, इंस्टीट्यूशन के द्वारा, उनकी जो यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री या डिप्लोमा हासिल की, सर्टिफिकेट हासिल किया होगा, उनको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेशन इंस्टीट्यूशन के यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3 यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 के तहत इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ने डिक्लेयर किया है कि पार्लियामेंट के एक्ट के अंतर्गत वो भी ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करेंगे पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पोस्ट और सर्विसेज के लिए, उनको भी वरीयता दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट में। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी आएगी तो उसमें उनको डिस्टेंस, उनको जो जो भी डिस्टेंस एजुकेशन, अगर किसी आपने किसी ने डिस्टेंस एजुकेशन हासिल की होगी तो वो भी इसमें फिल कर सकते हैं उस फॉर्म को। और इसमें एक चीज और बताया है कि डिस्टेंस, और ये इसमें एक चीज और दिया है कि प्रोवाइडेड, इसमें कंडीशन दे दिया है कि वो आपका जो डिस्टेंस एजुकेशन की आपके डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी है वो अप्रूव होना चाहिए डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, जो कि यूजीसी की ब्रांच है, डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत आपका जो है डिस्टेंस एजुकेशन के, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के द्वारा आपका डिग्री जो है वो अप्रूव होना चाहिए। ये इसमें इंपॉर्टेंस है। अब इसीलिए अब इसी के बाद ये भी बताया कि जब तक इस तरह की डिग्री जो है एक, हाँ लेकिन इसमें एक चीज और है कि आपका अगर पास रिलेवेंट पीरियड के लिए ही अगर आपकी डिग्री मान्य है तो ऐसे कैंडिडेट्स को जिनके पास क्वालिफिकेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपका एक रिलेवेंट पीरियड के लिए ही इस तरह की डिग्री आपको मान, मान लीजिए आपको कोई डिस्टेंस डिग्री मिली या आपने कोई सर्टिफिकेट, ज्यादातर होता है डिग्री के केस में तो नहीं होता है, ज्यादातर होता है सर्टिफिकेट या डिप्लोमा के केस में, जैसे मान लीजिए सर्टिफिकेट 3 साल तक मान्य है। अब मान लीजिए कि आपने 2018 में आपने किया, आपने इसको कर लिया और आपको 3 साल का इसमें मान्यता मिल गया, 3 साल तक वैलिड है, तो 2021 तक मान लीजिए वैलिड है, तो 2021 तक वैलिड है, तो आपने ये मत सोचिएगा कि आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं भले ही अभी मतलब 2022 को, कि ये रिलेवेंट, अगर देखिए साफ समझ लिखा है रिलेवेंट पीरियड के लिए अगर है तो उसमें आपको जो है उसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप देखिए और एक चीज और दिया है कि यूजीसी के ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग रेगुलेशन 2017 पब्लिश किया गया था 23 जून 2017 को पार्ट 3 के 8 क्लॉज 8 के सब क्लॉज 5 में दिया गया था कि प्रोग्राम जो होता है, जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग हुआ, मेडिसिन हुआ, डेंटल हुआ, नर्सिंग हुआ, फार्मेसी हुआ, आर्किटेक्चर हुआ और फिजियोथेरेपी हुआ, उसको परमिट नहीं किया जाएगा अगर वो दिया गया है उसकी डिग्री ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड के द्वारा। देखिए ये सारे जो है ज्यादातर एप्लीकेशन बेस जो इनकी पढ़ाई होती है एप्लीकेशन बेस होती है, तो इसमें ओपन डिस्टेंस लर्निंग किसी की है तो उसको मान्यता नहीं, उसको मान्य नहीं, मारा नहीं जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट की भी ऑर्डर की बात की गई है जो कि 11 मार्च 2019 को आया था, ये ऑर्डर उनका उसका नंबर था, आप इसको चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। इसमें टाइटल था मुकुल कुमार शर्मा एंड अदर्स वर्सेस AICTE एंड अदर्स। देखिए ये सब जो टर्म्स होते हैं पॉलिटिकल, अगर आपको ये सब समझ में नहीं आते तो हमने एक प्लेलिस्ट, हमारी आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो उसमें आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, तो अगर आप अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें ये पॉलिटिकल टर्म जो होता है, जैसे जो भी चीजें, जो भी इस तरह का लॉ का टर्म होता है वो आप समझ सकते हैं उस चीज को। तो ये इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की प्लेलिस्ट है, उसको भी आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने समझाई उसमें, कई दो तीन वीडियोस में शायद मैंने लॉन्च की होगी तो उसमें आप इसको देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं तो देखिए बाकी, या बीटेक डिग्री या डिप्लोमा, सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च 2019 को ऑर्डर दिया था कि बीटेक डिग्री या डिप्लोमा जो इंजीनियरिंग में अवार्ड की गई है इग्नू के द्वारा, वो स्टूडेंट जो है इनरोल जो कि इनरोल हुए थे 2009-10 में, उनको वैलिड माना जाएगा जहां पे भी है, यानी कि 2009-10 में, 2009-10 के एकेडमिक, सिर्फ 2009-10 के एकेडमिक ईयर में जो लोग इनरोल हुए हैं उनको उनकी डिग्री या डिप्लोमा को, जो उनके पास अगर बीटेक की डिग्री और डिप्लोमा की डिग्री अगर है इग्नू से तो उसको इस जॉब के लिए वैलिड माना जाएगा। ये 11 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अब देखिए इसमें एक चीज और दिया है कि इसमें दोबारा समझाया जा रहा है, रिटर्डेड होंगे तो दोबारा आपको समझाया जा रहा है इसमें कि जो रिजल्ट होता है, जो रिक्वायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसे मस्ट, उसे डिक्लेयर किया जाए, उसे जरूर वो इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से डिक्लेयर होना चाहिए स्पेसिफाइड डेट पर। यहाँ स्पेसिफाइड डेट का मतलब है 23 जनवरी 2022 तक ये आपके पास उसका डिग्री क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सिर्फ रिजल्ट अगर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट प्रवेश कर दिया अगर दे देता है कट ऑफ डेट तक, वो फुलफिल नहीं करेगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन। मान लीजिए कट ऑफ आ गया, आप कट ऑफ के थोड़ा सा पहले आपका मान लीजिए कि फरवरी में आपको मान लीजिए 23 फरवरी को अगर आपका जो है रिजल्ट आ गया, अगर तो 23 फरवरी रिजल्ट आपके पास डिग्री आ गई तो आप इस फॉर्म को जब फिल करके मान लीजिए आप मेरिट से क्लियर भी कर लेते हैं तो भी आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी डिग्री जरूर 23 जनवरी 2022 तक या उससे पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए, अगर उसके बाद है तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। यही इसमें समझाने की कोशिश किया गया है। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट है उसके पास इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और
इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है, जैसे इस तरह के कैंडिडेट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा एक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट उन अथॉरिटी के द्वारा जो कि कंसर्न है टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए जो अगर आपके पास मान लीजिए इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट का तो इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इक्विवेलेंट अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपका, वैसे मान लीजिए कुछ डिग्रियां ऐसी भी होती हैं, मुझे तो एग्जैक्ट उसके बारे में पता नहीं, लेकिन जब इसमें दिया तो कुछ ऐसी डिग्री होंगी जो कि जैसे मान लीजिए किसी ने बीए किया है तो बीए के भी इक्विवेलेंट कोई डिग्री होगी जो कि उतनी ही पावर रखती होगी जितनी की बीए रखती है। तो बीए की इक्विवेलेंट डिग्री अगर कोई ऐसी है तो आपके पास आपको ऐसा नहीं आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट उसी अथॉरिटी से जहां से आपने ये इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हासिल की है वहां से आपको एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ेगा अथॉरिटी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में। हालांकि जो फाइनल डिसीजन होगा कि आपका सिलेक्शन करना है या नहीं करना है इस तरह के कैंडिडेट का, वो जो यूजर डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में आप जाएंगे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए सिलेक्शन के बाद, वो उसकी जिम्मेदारी होगी कि आपको लेगा और नहीं लेगा, उस इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट को देख के वो डिसाइड करेगा और आपकी डिग्री को देख के डिसाइड करेगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम की, एग्जाम कैसे होंगे। एग्जाम देखिए टोटल चार टायर में होंगे, टायर वन आपका ऑनलाइन होगा और कंप्यूटर बेस्ड होगा, टायर टू भी ऑनलाइन होगा, टायर थ्री आपका पेन एंड पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा, और टायर फोर जो होगा वो उसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी डेटा एंट्री स्किल टेस्ट वगैरह होगा इसमें। अब वेयर एवर एप्लीकेबल लिखा है मतलब क्योंकि हर पोस्ट के लिए नहीं है, कुछ कुछ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए तो वो उसी जगह होगा। अब यहाँ चाहिए और है कि जो मार्क्स कैंडिडेट ने स्कोर किया है कंप्यूटर मतलब ऑनलाइन एग्जाम में अगर मल्टीपल शिफ्ट में वो नॉर्मलाइज होंगे, और नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होता है, अगर आप चाहते हैं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर हम वीडियो बनाए तो आप बता दीजिएगा, हम उसमें डिटेल में समझाएंगे आपको कि नॉर्मलाइजेशन पे नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर का फॉर्मूला क्या है तो हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी हम इसमें इसको ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो गई और लंबी हो जाएगी। तो इसमें मार्क जो कैंडिडेट ने स्कोर किया है मल्टीपल शिफ्ट में अगर हो रहा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का वो नॉर्मलाइज किया जाएगा, और ये नोटिस नंबर दिया है उस नोटिस के अकॉर्डिंग उसको जो नॉर्मलाइज किया गया और नॉर्मलाइज स्कोर को ही फाइनल माना जाएगा कट ऑफ के लिए और कट ऑफ मेरिट दोनों के लिए। अब देखिए इसमें एक चीज ये दिया है कि अगर जो आंसर की आपकी आती है जब आंसर की आएगा तो आंसर की से जब भी आएगी तो कमीशन पे आएगी, हर एग्जाम के बाद आपके पास आंसर की आ जाएगी और कैंडिडेट जो है आंसर की को चेक कर सकते हैं, और जो भी उनका जो है ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है, ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि ऑब्जेक्शन मान लीजिए कि इस कैंडिडेट को लगता है कि उसने सही मार्क किया था लेकिन जो उसका आंसर की आया है उसमें वो गलत आंसर शो कर रहा है, तो आप उसमें ₹100 पर क्वेश्चन आपको पेड करने पड़ेंगे, और अगर आप चार क्वेश्चन दे तो आपको चार क्वेश्चन के लिए आप ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं तो आपको ₹400 देने पड़ेंगे, ₹400 आपको पेड करने पड़ेंगे और ₹400 देके आप उसको ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, अगर आपके आंसर सही हुए तो आपको 2 नंबर मिलेंगे उसके, तो ये इससे फायदा है। अब देखिए जो भी रिप्रेजेंटेशन रिसीव किया जाएगा सिर्फ ऑनलाइन नोट पे, बाकी अगर हमारे कोई लेटर लिखता है एप्लीकेशन या ईमेल वेबसाइट को या एसएससी को लिखता है कि मेरा ये क्वेश्चन सही था ये गलत था ₹100 हमसे ले लीजिए तो उसको नहीं इंटरटेन किया, उसको नहीं माना जाएगा, जो भी ऑनलाइन होगा सिर्फ उसी को माना जाएगा, और आंसर और जो भी ऑब्जेक्शन आप करेंगे आंसर की उसके हिसाब से फिर से स्क्रूटनाइज फिर से देखी जाएगी और फिर फाइनलाइज आंसर की कमीशन जो है फाइनल आंसर की पेश करेगा और वही सबके लिए मान्य होगा, ये इसका है। अब इसमें एक चीज और बता रहे हैं कि जो शेड्यूल होता है एग्जामिनेशन का वो चेंज भी किया जा सकता है, सब कमीशन के अंदर में है, कमीशन चाहे तो शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन को जो भी उसके कारण हो जिस मान कोरोना हो गया कोई भी कारण हुआ वो कैंडिडेट को इन्फॉर्म करके उसको चेंज कर सकता है, इसलिए लिखा गया टेंटेटिव है चेंजेबल है ये, और हालांकि कैंडिडेट को इन्फॉर्म किया जाएगा जब भी उसकी डेट आने वाली तो पहले डेट आने वाली होगी तो उससे पहले ही कैंडिडेट को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी क्वेश्चन पेपर की बात करें तो जहां जरूरी है वो मैट्रिक सिस्टम के हिसाब से ही लिया जाएगा और मेजर किया जाएगा, यानी कि जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर 10th लेवल के होंगे। अब यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ पर रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग का स्कोर्स को आप रीवैल्यूएट नहीं कर सकते, आप ऑब्जेक्शन तो डाल सकते हो जैसे मैंने आपको बताया 13.3 में, लेकिन 13.6 के अकॉर्डिंग आप जो है रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग अपनी कॉपी को नहीं करवा सकते हैं। अब हम बताते हैं कि टायर वन टायर टू में सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या, मार्क्स कितने, टाइम कितना अलॉट होगा। तो देखिए टायर वन में आपके होंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल अवेयरनेस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये टोटल 25-25 क्वेश्चन होंगे आपके हर सब्जेक्ट के और 50 नंबर मिलेगा आपको हर के, यानी कि और 1 घंटे का टाइम रहेगा, पीडब्ल्यूडी के लिए 1 घंटा 20 मिनट है। मतलब क्या है, मतलब आपके टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 1 घंटे का टाइम रहेगा और 200 नंबर का पेपर होगा। अब टायर टू की बात करें तो पेपर वन आपका जो क्वांटिटेटिव एबिलिटीज इसमें 100 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर, यानी कि 1 क्वेश्चन इसका 2 नंबर का होगा 2 मार्क्स का होगा और ये 2 घंटे का होगा। और पेपर टायर टू में ही पेपर वन पेपर टू दोनों आता है, तो पेपर टू होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये भी 200 क्वेश्चन 200 नंबर का, ये 200 क्वेश्चन 200 नंबर का होगा और 2 घंटा 40 मिनट 2 घंटा मिलेगा नॉर्मल कैंडिडेट का, और पीडब्ल्यूडी के लिए आपका जो है 2 घंटा 40 मिनट मिलेगा। अब ये जो पेपर थ्री है ये सिर्फ और सिर्फ
जेएसओ और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड टू के लिए होगा, स्टैटिस्टिक्स के लिए का पेपर, बाकी कैंडिडेट के लिए नहीं है, जो बाकी आपने प्रेफरेंस दिया उसके हिसाब से नहीं है। तो ये वही दे सकते हैं जिनका जो है ये पेपर वन और पेपर टू, देखिए इसमें टायर टू में पेपर वन और पेपर टू तो सभी को देना है, लेकिन पेपर थ्री और पेपर फोर जनरलाइज है, इसमें आप स्टैटिक्स का पेपर वही कैंडिडेट दे सकते हैं जो कि जिनके पास स्टैटिक्स की डिग्री हो, स्टैटिक्स का जैसे मैंने आपको समझाया था उसमें जेएसओ और स्टैटिक्स में, तो वो उसमें 100 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के, और जो पेपर फोर है जनरल स्टडीज फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स उसमें 100 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के। तो ये और पेपर टाइम सेम होगा 2 घंटे का, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। ये जो है ये पद ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए होगा जिन्होंने आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए फॉर्म फिल किया हो, गेस्टेड अफसर गेस्टेड पद के पदों के लिए ये मान्य होगा, ये जनरल स्टडीज फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। और बाकी पेपर वन और पेपर टू दोनों, यानी अगर आपने जीएसओ भरा है तो आप पेपर वन और पेपर टू और पेपर थ्री देंगे, और अगर आपने जो है एओ और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और गेस्टेड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए भरा है तो आप पेपर वन टू एंड फोर देंगे, ये इसका मतलब है। अगर नहीं समझ में आया आपको अभी भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, हम आपको बताएंगे वहां डिटेल में। टायर वन टायर टू में ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और क्वेश्चन जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, सिर्फ जो इंग्लिश लैंग्वेज का प्रेजेंस है इस पेपर को छोड़ के, इंग्लिश का पेपर छोड़ के बाकी सारे पेपर आपके इंग्लिश हिंदी दोनों में आएंगे। टायर वन में निगेटिव मार्किंग जो है 0.5 है, यानी कि हाफ निगेटिव मार्किंग है, और हाफ का मतलब होता है कि 2 नंबर का अगर एक क्वेश्चन है, अगर टू अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और अगर एक क्वेश्चन आपने रॉन्ग कर दिए तो आपके 3 नंबर कटेंगे। अगर एक क्वेश्चन आपने रॉन्ग की अटेम्प्ट किए तो आपके 3 नंबर कटेंगे, अगर सही कर दिए तो 2 नंबर मिलेंगे, यही मतलब है 0.5 आंसर का निगेटिव मार्किंग का। और टायर टू की बात करें तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है 0.25, यानी कि 1/4 है रॉन्ग आंसर के लिए, किसमें पेपर टू में, सिर्फ इंग्लिश इस पेपर में आपका जो है 1/4 निगेटिव मार्किंग है, मतलब ये 1 नंबर का वैसे क्वेश्चन भी है 1 मार्क्स का, यानी अगर आप एक क्वेश्चन अगर इस पेपर टू में सही करते हैं तो आपको जो है +1 नंबर मिलेगा, अगर आप इसमें क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपके -1.25 नंबर कटेंगे, ये मतलब है इसका। और लेकिन हाँ, लेकिन बाकी का पेपर पेपर वन पेपर अगर बात करें टायर टू के पेपर पेपर वन की बात करें, पेपर थ्री की बात करें, पेपर फोर की बात करें, तो इसमें 0.5 निगेटिव मार्किंग, यानी कि हाफ निगेटिव मार्किंग है। तो इसमें अगर आपने मान लीजिए स्टैटिक्स में आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको +2 मिलेंगे, गलत कर दिया -3 हो जाएंगे, ये इसका मतलब है। अब देखिए टायर टू का जो पेपर है वो पेपर वन और पेपर टू है वो कंपलसरी है सारे पोस्ट के लिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और टायर टू का पेपर थ्री जो होता है सिर्फ जीएसओ के लिए, मैंने आपको पहले ही बताया, और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए होगा। और जो और टायर टू जो होगा, टायर टू का पेपर फोर जो होगा सिर्फ ओनली ओनली फॉर दोस कैंडिडेट जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का पद पे फिल किए। अब टायर थ्री की बात करें तो पेन पेपर मोड में होगा, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इंग्लिश और हिंदी में, इसमें राइट लेटर इसमें आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, प्रेसी लिखना पड़ेगा, लेटर लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। देखिए इसमें आपको प्रेसी में समझाता है, कई लोग क्वेश्चन हमसे करते हैं प्रेसी के बारे में, हाउ टू राइट गुड प्रेसी। तो प्रेसी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई आपके पास एक बड़ा डॉक्यूमेंट है, जैसे मान लीजिए बड़ी स्टोरी है आपको, मान लीजिए 1000 वर्ड की, आप इसको शॉर्ट वर्ड में इसको लिखे, इसी स्टोरी को आप नरेट करें अपने लाइन में, और आप इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 100 वर्ड्स का इस्तेमाल करें, तो यही होता है प्रेसी। यानी कि और बाकी कॉन्सेप्ट और सारी चीजें सेम हो तो वो आपका हो जाएगा प्रेसी, ये प्रेसी की लिस्ट में आ जाता है, ये चीज है। तो आप अगर आप चाहते हैं प्रेसी पर मतलब वीडियो बना तो आप कमेंट सेक्शन बताएंगे, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। ये पेन पेपर मोड में होगा, स्क्रीन कटाया थी, ये 100 नंबर का होगा, 1 घंटे का पेपर है, और इसमें 1 घंटे में आपको लिखने को दिया जाएगा, ऐसे प्रेसी का लेटर एप्लीकेशन कुछ भी दिया जा सकता है, वो पेपर कमीशन डिसाइड करेगा। पीडब्ल्यूडी के लिए 1 घंटा 20 मिनट मिलेगा। अब एक चीज और बता दें, पेपर जो होता है टायर थ्री में उसमें या तो आपको हिंदी में लिखना है या तो इंग्लिश में लिखना है, या तो आप हिंदी लैंग्वेज का यूज करेंगे या तो आप इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करेंगे, लेकिन अगर आप कुछ पार्ट का पेपर हिंदी में लिखते हैं और कुछ का इंग्लिश में लिखते हैं तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई एक लैंग्वेज चुनेगा उसी में आंसर दीजिएगा। अब टायर फोर की बात करते हैं, स्किल टेस्ट। टायर फोर जो होता है सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डेटा एंट्री स्किल टेस्ट होता है। अब देखिए इसमें हम आपको देखिए इसमें एक चीज समझा दे रहे हैं, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा आपका वो, चलिए मैं आपको आगे बता दूंगी, इस सिलेबस है इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये सिलेबस का ये पार्ट है, इसको नोट कर लीजिए, आप पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें सारी चीजें जनरल इंटेलिजेंस एंड इन टाइप का है, उसमें सारा एक तरह से समझिए तो वर्बल और नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें सारी चीजें हैं। और फिर जनरल अवेयरनेस आएगा, इसमें क्वेश्चन जो होगा इसमें उसका एम यही रहेगा कि कैंडिडेट की जनरल अवेयरनेस को देखा जाए उसके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, और इसमें ज्यादा जो फोकस होगा हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी इकोनॉमिक साइंस जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च, इस पर ज्यादातर होगा
होगा तो जनरल अवेयरनेस में यह है। फिर आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ क्वेश्चन जो डिजाइन किए जाएंगे कैंडिडेट की एबिलिटी को यूज करने का, जो यूज का नंबर नंबर सेंस कितना है। तो देखिए इसमें दो चीजें हैं, आप टायर वन में आप देखेंगे, ये टायर वन को मैं बता रहा हूँ आपको, टायर वन में आपको मिली है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें देखिए अरिथमेटिक और एडवांस होंगे, एडवांस दो ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके, एडवांस मैथ या अरिथमेटिक मैथ। तो इसमें अरिथमेटिक जो आएंगे, अरिथमेटिक आपका पोर्शन ज्यादा रहेगा टायर वन में, अरिथमेटिक पोर्शन ज्यादा रहेगा, एडवांस का पोर्शन कम रहेगा, उसके क्वेश्चन भी हल्के आएंगे काफी, लेकिन इसीलिए इसका नाम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें सिर्फ आपका एप्टीट्यूड देखा जा रहा है, ये चीज है। और जो इसमें फिर आपका जो चौथा आएगा वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएगा, इसमें इसमें भी जनरल रहेगा, इसमें बस ये देखा जाएगा कि कैंडिडेट के पास बेसिक इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, वो उसके बाद राइटिंग इंग्लिश को लिख सकता है कि नहीं, उसके बाद बेसिक कॉम्प्रिहेंशन है कि नहीं, ये देखा जाएगा। तो और इसमें भी दिया है कि पार्ट ए और बी और डी, यानी कि अगर मैथ को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब ग्रेजुएशन लेवल का होगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन या ग्रेजुएशन लेवल का होगा, और पार्ट सी यानी कि जो मैथ की बात होगी यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात होगी वो टेंथ लेवल पे आएगा, उस हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। टायर टू के सिलेबस की बात करें तो देखिए पेपर वन आपका जो होगा वो क्वांटिटेटिव एबिलिटीज का होगा, देखिए यहाँ पे एबिलिटीज दिया है, यहाँ पे मेन मकसद क्या है या कोई इसका या आप पीडीएफ से देख लीजिएगा डाउनलोड करके, ये मैं आपको बेसिकली समझा दूँ क्वांटिटेटिव एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अंतर। मैंने एप्टीट्यूड में बताया कि अरिथमेटिक का पोर्शन ज्यादा रहेगा और एडमेटिक, और इसमें जो है आपका एबिलिटीज में एडवांस का पोर्शन ज्यादा रहेगा, एथमेटिक का पोर्शन उतना नहीं रहेगा, एडवांस का पोर्शन ज्यादा रहेगा, ये चीज है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। पेपर टू की बात करें तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज या कॉम्प्रिहेंशन की बात की जाएगी, उसमें सिर्फ इंग्लिश टायर में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन था, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है, मतलब इसमें सिर्फ सिर्फ बेसिक चीजें इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग नहीं देखी जाएगी, इसमें स्पॉट दे रहा देखा जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स मिलेगा, सुनानी टॉनिक चलेगी, ये उसमें ही मिलेगा, लेकिन इसमें लेवल थोड़ा हाई रहेगा, पेपर टू रहेगा इसमें 200 क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई रहेगा, और स्पेलिंग डिक्टिंग एरर रहेगा, इडियम फ्रेजेस रहेगा, वन वे सब्स्टिट्यूशन है, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, कन्वर्जन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, शफलिंग ऑफ सेंटेंस और पैसेज, क्लोज टेस्ट, ये वगैरह ये सारी चीजें रहेंगी। पेपर थ्री स्टैटिक्स है, ये आपका सिर्फ जेएसओ और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो लोगों ने इसको भरा होगा सिर्फ उसी के लिए, बाकी लोग इसको नहीं देंगे। इसमें आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, इस कलेक्शन क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक डेटा, मेजर ऑफ सेंटेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इसमें देखिए अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए हम बुक आपको रेफर करें कोई अच्छी बुक, तो इसमें हम अलग से एक वीडियो बना देंगे कि इसको कैसे हम प्रिपेयर करें, स्टैटिक्स जेएसओ के लिए हम प्रिपेरेशन कैसे करें, या अगर कमेंट सेक्शन में बताएगा हम इसको आप इस पर वीडियो जरूर बनाएंगे स्टैटिक्स के लिए, कौन कौन से बुक हमको रेफर करनी चाहिए, वो पढ़ाई किस तरह से करनी चाहिए, वो चीज़ हम आपको बताएंगे। पेपर फोर की बात करें तो जब आप लोग देख लीजिएगा, इसमें अगर नीचे दिया हमने कट कर दिया उसको, आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो डाउनलोड करके नोटिफिकेशन से। जनरल फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ये उनके लिए है जो कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए बने, वो इस पद पर जाना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी का बात किया गया, पार्ट ए फाइनेंस अकाउंट्स 80 मार्क का होगा और इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस 120 मार्क का होगा, टोटल 200 नंबर का पेपर रहेगा, 200 मार्क्स का और 100 क्वेश्चन आपको रहेंगे, यानी आपको फाइनेंस अकाउंट्स में 40 क्वेश्चन रहेंगे और आपका इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस में 60 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से इसका पूछा जाएगा, इसमें भी इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस में आपका कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, बेसिक कॉस्ट सेटर, यही सारी चीजें रहेंगी। अब स्किल टेस्ट की बात करते हैं, तो डेटा एंट्री स्किल टेस्ट होगा, ये किस किस पद के लिए, टैक्स असिस्टेंट के लिए है सीबीडीटी और सीबीआईसी में, अपर डिविजनल क्लर्क के लिए एसएसए में, सेंटर बोर्ड ऑफ नार्कोटिक्स में, और इसमें मेनली जो टेस्ट है डेटा एंट्री स्किल टेस्ट में 8000 की डिप्रेशन मांगा जाएगा, टाइपिंग मांगा जाएगा कम से कम आपका जो है एक घंटे के अंदर, यानी 15 मिनट में आपके आपको 2000 वर्ड टाइप करने होंगे, इस टाइप का आपको कुछ देगा। इसमें दिया डेटा एंट्री स्किल टेस्ट जो कंडक्ट किया जाएगा वो 2000 वर्ड दिया जाएगा की डिप्रेशन, 15 मिनट में आपको लिख करना होगा। टेस्ट जो है क्वालिफाइंग नेचर का, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि आपको मार्क्स मिल जाए, क्वालिफाई इसमें जो मार्क्स मिलेंगे आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होंगे, और क्वालिफाइंग और कंप्यूटर जो इसमें जो कंप्यूटर आपको मिलेंगे टाइप करने के लिए वो कमीशन प्रोवाइड करेगा जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे। स्किल टेस्ट होगा कमीशन के रीजनल ऑफिस में या कमीशन जहाँ सेंटर डिसाइड करेगा वहाँ पे। तो डिटेल इंस्ट्रक्शन है कि स्किल टेस्ट आगे कैसे प्रोवाइड कैसे होगा, ये रीजनल ऑफिस के द्वारा आपको कमीशन मिल जाएगा, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं जो कि क्वालिफाइड है स्किल टेस्ट में अपियर होने के लिए उनको डिटेल मिलेगा इसका। अगर फिर भी आप जानना चाहते हैं टाइपिंग टेस्ट कैसे होता है, टेस्ट कैसे होता है, तो आप इस वेबसाइट पर कैंडिडेट्स को नहीं जाके पता कर सकते। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो इसमें 3 मॉड्यूल्स होंगे, एक वर्ड प्रोसेसिंग होगा, एक स्प्रेडशीट होगा, एक जनरलाइजेशन ऑफ स्लाइड्स होगा। ये पोस्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, एमईए सीएसएस और असिस्टेंट सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर के लिए, ये सारी ये और इंस्पेक्टर ऑफ जीएसटी प्रिवेंटिव ऑफिसर एग्जामिनेशन सारे पदों के लिए है। असिस्टेंट जो नेशनल कंपनी लॉटर उनके लिए सीपीटी होगा। इसमें देखिए 3 चीजें दिया है, इसमें हर मॉड्यूल जो है 15 मिनट का ही होगा। उसमें पहला मॉड्यूल में टेस्ट होगा, टेस्ट आपका जो है 2000 वर्ड प्रति मिनट का होगा। फिर मॉड्यूल 2 होगा, उसमें स्प्रेडशीट बनाने को दिया जाएगा। फिर आपका जो है मॉड्यूल 3 होगा,
हाँ फिर आपको मॉड्यूल 3 होगा जिसमें आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने को, जैसे मैंने मैं बनाया हूँ पीपीटी पे, आप भी आपको भी वैसे ही बनाना है, और उसको कमीशन आपको देगा कि जिस तरह का एज पर द एक्सरसाइज गिवन गिवन इन द टेस्ट, टेस्ट में आपको एक एक्सरसाइज दी जाएगी सेम आपको उस हिसाब से आपको स्लाइड तैयार करनी होगी। और सीपीटी जो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा इस तरह के मैनर में कि जो कि जो भी इसका सारा चीज है वो कमीशन डिसाइड करेगा, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तीनों मॉड्यूल में आप सेपरेटली क्वालिफाई करना काफी जरूरी है। कोई भी सीपीटी में एग्जामेशन नहीं मिलेगा किसी भी कैटेगरी के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को, और हालांकि कुछ विजुअल हैंडिकेप्ड कैंडिडेट उनको स्क्राइब उसको उनको एक कैंडिडेट मिल जाएगा जो कि उनको पढ़ के बताएगा, रीडर को मैसेज मैसेज रीडर उनको मिल जाएगा, और डिटेल इंस्ट्रक्शन जो होता है सीपीटी का वो रीजनल ऑफिस में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनको दिया जाएगा बताया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो टायर वन में हर पेपर और टायर टू के हर पेपर में और टायर थ्री में इतना 30% मार्क्स लाना है, ओबीसी को 25% और बाकी को 20%। मतलब क्या है इसका मोड ऑफ, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर 200 नंबर का पेपर है तो 30% अगर अनरिजल्ट का है यानी कि 60 मार्क्स उसने पाया है तभी तभी उसको जो है कंसिडर किया जाएगा, भले ही कमीशन के पास कैंडिडेट कम पड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई 30% से नीचे, कोई 200 में मान लीजिए किसी कैंडिडेट 40 नंबर ही पाया है और कट ऑफ ही मान लीजिए कट ऑफ ऐसा नहीं कि ऐसे किस्म कट ऑफ 50 नंबर ला देंगे, 50 नंबर मार्क्स ले आएंगे अगर अगर मैक्सिमम कैंडिडेट ने कम नंबर पाया है, ऐसा नहीं होगा, वो 50 मार्क्स का नहीं बनाएंगे, जब वो बनाएंगे तो 60 60 यानी कि 60 मार्क्स के अबव अगर इससे कम बाकी लोगों का आता है तो ये एग्जाम भी रद्द होगा, हो सकता है दोबारा एग्जाम होता है। तो ये एक मोड ऑफ सिलेक्शन है, मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क आपको इतना लाना ही लाना है, इसके ऊपर जो लाएंगे उस पर आपको कट ऑफ सेट होगा, बाकी कैंडिडेट की कॉम्पिटिशन के पड़े, ओबीसी को 25% और बाकी एस सी एस टी को 20%। अब देखिए इसमें ये दिया है कि जो मार्क्स मिलेगा आपको टायर वन में उसके हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट करके टायर टू में भेजा जाएगा और टायर थ्री एग्जामिनेशन भेजा जाएगा, सेपरेट कट ऑफ मिलेंगे फिक्स किए जाएंगे पेपर टू के लिए टायर टू में हर पद के लिए, चाहे जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर के लिए है, चाहे आपका जो है पेपर फोर के टायर फोर में जो कि असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिट ऑफिसर के लिए है, और पेपर वन एंड टू सारे सारे पदों के लिए होगा। तो टायर टू में और टायर थ्री का एग्जामिनेशन वो कंडक्ट किया जाए सारे कैंडिडेट का जो कि टायर वन में क्वालिफाई है, यानी अगर आप टायर वन क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका टायर टायर टू और टायर थ्री यानी कि जो आपका स्किल टेस्ट जो आपका मान लीजिए मैथ और इंग्लिश है जो आपका जो है पेपर वन और पेपर टू है वो, और प्लस टायर थ्री में आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो सभी को देना होगा, उसके बाद उन सबका मेरिट बनेगा। टायर टू में कैंडिडेट जो अपियर है पेपर वन और पेपर टू में तो सभी के लिए होगा, हालांकि जो 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 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं जीएसओ के लिए स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर या असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर के लिए उन्हें जरूरी है कि वो पेपर थ्री में और पेपर फोर भी दे सके, यानी अगर आप जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर के लिए तो आपको पेपर थ्री और पेपर फोर और इसके आपको देना पड़ेगा, अगर इन दोनों में आप क्वालिफाई हो जाते तो आपको ये देना पड़ेगा। अब देखिए इसमें एग्रीगेट परफॉर्मेंस देखा जाएगा टायर वन और टायर टू का, टायर वन प्लस टायर टू देखिए उस हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को टायर थ्री एग्जामिनेशन के लिए, और जो कैंडिडेट नहीं क्वालिफाई करते हैं टायर टू में वो एलिजिबल नहीं होंगे टायर थ्री के लिए। इसमें एक चीज ध्यान देना वाली चीज है कि देखिए अगर कोई इंसान टायर वन क्लियर कर लेता है तो टायर टू और टायर थ्री जिसमें अभी आपको बताया टायर वन और टायर टू और टायर थ्री तो दे सकता है, टायर टू और टायर थ्री का एग्जाम दे सकता है, लेकिन उसको अगर लेकिन वो टायर वन प्लस टायर टू के एग्रीगेट परफॉर्मेंस में उसका नंबर आया हो अच्छा खासा तब वो कट ऑफ क्लियर किया हो दोनों को मिला के तब उसको टायर थ्री में बैठने दिया जाएगा, नहीं तो अगर देखा जाए तो इसमें पहले टाइम में जो बताया है पॉइंट में कि टायर वन जिसने क्लियर किया है वो टायर टू और टायर थ्री दोनों में बैठ सकते हैं उसमें। अब देखिए जो भी एग्रीगेट परफॉर्मेंस दिया जाएगा क्वालिफाइड कैंडिडेट का टायर वन और टायर टू में उसमें टायर टू और टायर थ्री जिस जो तीनों क्लियर कर लेते हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट के लिए, और इसमें सीपीटी होगा डेटा टेस्ट स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा मैंडेटरी होगा लेकिन क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जो अगर कोई कैंडिडेट नहीं अपीयर होता है स्किल टेस्ट में या फेल हो जाता है क्वालिफाई करने के स्टेज में तो बाकी पोस्ट के लिए उसको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। मैंने आपको पहले समझा दिया है कि आप प्रेफरेंस इसलिए कहा गया प्रेफरेंस को बहुत ही सोच समझ के करिएगा, अगर प्रेफरेंस आप गलत भर देते तो आपको जो है आपका सिलेक्शन रुक सकता है, इसमें इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। आप देखिए मेरिट लिस्ट इसमें बनाई जाएगी ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से जो कि टायर वन टायर टू टायर थ्री के हिसाब से होगा, फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट का होगा हर कैटेगरी में उनके एग्रीगेट स्कोर जो उसने प्राप्त किए हैं टायर वन टायर टू टायर थ्री के एग्जामिनेशन में और प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट के हिसाब से उसके हिसाब से उसका एक मेरिट बनेगा। और एक बार कैंडिडेट इसमें एक चीज और है, एक बार कैंडिडेट जो है फर्स्ट अवेलेबल प्रेफरेंस जो भी उसने दिया होगा प्रेफरेंस मिल जाता है उसके मेरिट के हिसाब से उसको बाकी पोस्ट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा,
आपने अगर आपने जिस पोस्ट के लिए सबसे पहले प्रेफरेंस दिया है और अगर उसके लिए आपके कट ऑफ मतलब मार्क क्लियर है बाकी कैंडिडेट के अकॉर्डिंग, तो आपको वो कमीशन वो अलॉट कर देगी और आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप आगे किसी वाले फिजिकल टेस्ट में आप नहीं कंप्लीट कर पाए उनका फिजिकल टेस्ट या उसमें कोई दिक्कत आ जाती है आपको, तो आपको निकाल दिया जाएगा, आपको उसमें फिक्स मतलब परमानेंट नहीं किया जाएगा। और जो भी कैंडिडेट है उनको जरूरी है कि वो प्रेफरेंस और पोस्ट को केयरफुली भरें, और जो भी ऑप्शन और प्रेफरेंस एक्सरसाइज किया जाए कैंडिडेट का उसे ही फाइनल माना जाएगा, इरिवर्सिबल, उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। और उसी हिसाब से किसी भी अगर आप लोकेशन ऑफ सर्विस लोकेशन या सर्विस जो भी कैंडिडेट होता है वो अगर आप चेंज करने को कहते हैं तो वो कोई भी चीज़ वो कुछ भी चीज़ें इस तरह की नहीं की जाएंगी। जो फाइनल अलॉटमेंट होगा पोस्ट का वो मेरिट कम प्रेफरेंस बेस पे, यानी कि पहले मेरिट आपकी देखी जाएगी फिर आपका प्रेफरेंस देखा जाएगा, इन दोनों के बाद आपका जो है फाइनल अलॉटमेंट किया जाएगा किसी भी पोस्ट या डिपार्टमेंट के लिए। और एक बार जो कैंडिडेट को अलॉट हो जाएगा उसको चेंज नहीं किया जा सकता। और बात अगर इसमें भी दिया है कि जैसे नॉन अगर वो आगे किसी भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता फिजिकल मेडिकल चाहे एजुकेशन स्टैंडर्ड को, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब इसका मतलब ये कि अगर कोई कैंडिडेट का जिसका जिस पोस्ट के लिए हायर प्रेफरेंस दिया है उसको उसी पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। अगर वो फेल हो जाता है फिजिकल मेडिकल या किसी भी एजुकेशन स्टैंडर्ड को क्लियर करने को उस पोस्ट के लिए, तो उसका कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसे बाकी पोस्ट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये सब नियम है। अगर कोई कैंडिडेट जो है कट ऑफ से ज़्यादा मार्क पाता है किसी के लिए किसी भी एग्जाम एग्जाम के लिए और एग्जामिनेशन और बाकी स्टेज में क्वालिफाई नहीं करता है उसका फाइनल किसी कारण से, तो वो अपना वो कंसर्न रीजनल ऑफिस या कमीशन को 2 महीने के अंदर अंदर अपने रिजल्ट जो भी डिक्लेरेशन होगा या 2 हफ्ते के अंदर अंदर नेक्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन जब आने वाला होगा जो भी फाइलें हो उसके अंदर कमीशन को सूचित करें। मतलब कि अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए कि कट ऑफ मार्क्स है आपका 200 में कट ऑफ मार्क्स अगर 137 बताया है, किसी कैंडिडेट ने 138 मार्क पाया लेकिन उसका नाम लिस्ट में नहीं है, तो वो तुरंत इसकी सूचना कमीशन को दे कि हमारा हमने तो क्लियर किया लेकिन हमारा नाम हमने क्वालिफाई किया इस एग्जाम को, हमारे मार्क्स ज्यादा हैं लेकिन हमें इसमें सिलेक्शन नहीं मिला है तो इसको दे, यही इसमें बेसिक मतलब है। अगर कोई कैंडिडेट फाइनली सिलेक्ट हो जाए लेकिन उसको करस्पॉन्डेंस नहीं मिलता है कमीशन की तरफ से, तो यूजर डिपार्टमेंट में 1 साल के अंदर अंदर वो इस चीज़ को अप्लाई कर सकता है कि आखिर उसको अभी तक क्यों नहीं अलॉटमेंट मिला है, सर्विस अलॉटमेंट उसको क्यों नहीं मिला है। वो जो भी उसका डिपार्टमेंट होगा जिस डिपार्टमेंट को मिला होगा एलोकेशन मिला होगा फाइनल सिलेक्शन के बाद उसमें वो कंसल्ट जाकर अपनी बात को रख सकता है। टाई केसेस की बात करते हैं, तो अगर किसी का टायर 1 टायर 2 टायर 3 में सेम मार्क्स आते हैं तो टाई तो इसको ड्रॉ इस तरह से समझिए ड्रॉ मैच हो जाएगा। इसमें कैसे आपके सिलेक्शन किया जाएगा, तो इसमें देखा टोटल मार्क देखा जाएगा टायर 2 एग्जामिनेशन में, टोटल मार्क किसने रिलेवेंट पेपर्स में किसने टोटल मार्क ज़्यादा पाए हैं वो देखा जाएगा। फिर टायर 3 में देखा जाएगा अगर मान लीजिए किसी ने टायर 1 और टायर 2 में बराबर मार्क्स पाए, 2 कैंडिडेट हैं आप है और कोई आपका साथी है उसने भी टायर 1 और टायर 2 में सेम मार्क्स पाए हैं, तो फिर आपका भी टायर 3 का मार्क देखा जाएगा। अगर उसमें भी आपने सेम मार्क पाया है, अगर आपने ज्यादा मार्क्स पाए टायर 3 में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसने ज्यादा मार्क्स पाया तो उसको उसका हो जाएगा। अगर फिर भी आपने तीनों में आप लोगों ने सेम नंबर पाया है तो डेट ऑफ बर्थ आपकी दिखाई जाए, जो ओल्डर कैंडिडेट है उनको उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। मतलब कि अगर कोई कैंडिडेट ओल्ड है मतलब बड़ा है, यानी कि अगर आप उसके जन्म के हिसाब से अगर आपका जन्म 1 जनवरी को मान लीजिए 1 जनवरी 1996 को हुआ है और उस कैंडिडेट का जन्म जो है वो 1 जनवरी 1995 को हुआ है 1995 को हुआ है, तो उसको वो ओल्ड हो गया आपसे, आपसे 1 साल बड़ा हो गया वो, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसको वरीयता मिलेगी। लेकिन अगर इसमें भी अगर अगर आप बराबर हो जाते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपका नाम करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका नाम राम है और उसका नाम श्याम है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। इस तरह से एक टोटल बारी बारी करके पहले पहले आपका देखा जाएगा टायर 1 टायर 2 टायर 3 में मार्क देखा जाएगा, फिर इसको देखा जाएगा टायर 2 का, फिर टायर 3 का मार्क देखा जाएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इस तरह से टाई करके आपको किसने आपको सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है कमीशन डिसाइड करेगा। आप जो कमीशन का देखिए कमीशन का डिसीजन जो है फाइनल है, जो भी एलिजिबिलिटी हो चाहे रिजेक्शन किसी भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट या रिजेक्ट करना या किसी भी फॉल्स इंफॉर्मेशन में पेनल्टी देना है सिलेक्शन मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए, एग्जामिनेशन कंडक्ट होने का अगर आपने कोई गलत काम किया हो चीटिंग वगैरह की हो तो उसके लिए, जो भी सिलेक्शन पोस्ट के सब कुछ कैंडिडेट के हाथ में है और आपको उसको मानना पड़ेगा। कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन कोई भी डिस्प्यूट अगर हो जाता है अगर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड तो आप तो कोर्ट या ट्राइब्यूनल जो जो ज्यूरिडिक्शन जो रीजनल ऑफिस होगा इसका कंसर्न एसएससी का जहाँ पे कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है वहाँ पे अगर उसको लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो वो कोर्ट में इसके लिए अपील कर सकता है कि चीटिंग हुई या कुछ ऐसी चीज हुई है, तो कमीशन को जो भी नियरेस्ट उसका जो जहाँ पे उसने एग्जाम दिया है उसके नियरेस्ट जो उसका जो रीजनल ऑफिस होगा एसएससी का वहाँ पे वो कोर्ट में अपील कर सकता है। डिसक्वालिफिकेशन इसमें इसमें बेसिकली ये चीज़ दी है कि अगर मान लीजिए कि कोई किसी की एक से ज़्यादा शादी हुई है, किसी ने 2 मैरिज की हुई है, किसी की 2 वाइफ हैं और उसके उसने उसके बारे में नहीं बताया है तो
ये या कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की हुई है किसी पर्सन के साथ, लिविंग में रह रहा है, तो ऐसे लिविंग रिलेशनशिप में उसके साथ है, तो ऐसे कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। या जो जिसके पास मतलब जिसकी शादी हो चुकी है या किसी के साथ उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की हुई है, वो एलिजिबल हो किसी के साथ भी, वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर वो सर्टिफाइड कर देगा इस मैरिट को कि हाँ मतलब मैंने शादी इससे की हुई है, और उसको लॉ पर्सनल लॉ के अंदर देगा तो उस चीज को सर्टिफाई कर देगा, तब तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, अदरवाइज उसका सिलेक्शन नहीं होगा, उसको एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये बेसिकली मैरिज से रिलेटेड है। ये सारी चीज मैंने आपको बेसिक चीजें समझा दी इसमें, आपको इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, सारी चीजें क्लियर है, और आप वीडियो पार्ट वन इसका जरूर देखिए, पार्ट वन के बाद ये मैंने अभी जो बनाया वो पार्ट टू है, पार्ट टू इसमें हमने एसएससी को डिटेल समझा दिया, आपको दूसरा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाँ पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा नीचे से, और जो सिलेबस का मेन पोर्सन है बस आपको वही देखना है, क्योंकि आपको उसको नोट भी कर लेना चाहिए, बार बार उसको पढ़ना चाहिए, जिससे कि आप उस हिसाब से अपने नोट्स बना के तैयारी कर सकें, अगर सिर्फ स्टडी करना है, नहीं तो अब हम भी इस पे कोर्स लॉन्च करेंगे बहुत जल्दी, और यूपीएससी का कोर्स हमारा ऑलरेडी चल रहा है, लाइब्रेरी साइंस का भी कोर्स चल रहा है, उसको आपने नहीं देखा होगा तो वो चैनल सब्सक्राइब कर दिया, जब भी हमारी वीडियो लॉन्च होगी और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, जिससे जब भी हमारी वीडियो लोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और यूजीसी नेट सोशल वर्क इस पर भी हमारा कोर्स चल रहा है, और अब एसएससी सीजीएल पे भी हमारा काम शुरू होगा, इस पर भी वीडियो अब आने शुरू होंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक हमारे साथ चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद, अगर आपकी कोई क्वेरी हो कोई हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, कि आखिर अगर आपकी कोई क्वेरी हो एसएससी रिलेटेड, कोई चीज कोई लाइन आपको समझ में ना आई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी काफी हेल्प करेगी आगे आगे प्रोसीजर को समझने में, तो अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और जो भी क्वेरी हमसे पूछ लीजिएगा। फ्रेंड्स अभी तक हमारे साथ चैनल पर बने रहिए, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।